तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपनी स्कूटी का ये जो पीछे का फेयरिंग है यहाँ से वहाँ तक, और मैं दिखा दूँ क्या क्या खुलेगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें वैसे बहुत सारी चीज़ें खुलनी हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, पहले आपको ये खोलना पड़ेगा, ठीक है? फिर ये खुलेगा, ये खुलेगा, ये भी खुलेगा, ये भी खुलेगा, बैटरी भी खुले, ये भी बैटरी भी खुलेगी, और ये भी नट है यहाँ पे, ये भी खुलेंगे, ये भी खुलेंगे, और इसके अंदर भी एक नट होते हैं वो भी खुलेंगे, और एक ये भी यहाँ पे नट खुलेगा, ये वाला भी, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर बाई चांस आपका डैमेज हो जाता है ये वाला फेयरिंग, तो आप उसको कैसे रिमूव करके दूसरा डाल सकते हैं, खुद अपने घर पे डाल सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ और वहाँ से खोल बताऊँगा कैसे कैसे खुलेगा ये। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 1 2 3 4, जो जो जिसमें लगा होगा मैं वही वही खोलना है और वही वही लगाना है, ठीक है? उसके साइज का ही। बैटरी बाहर आ गई, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, ये एलेंजी से ये इन तीनों खोलना है, ठीक है? मुझे बस ये नहीं पता कि कौन से नंबर की है, आप इसके साथ एक टपालिया की आती है, आप वो यूज़ करके आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये मुझे नहीं पता कौन से नंबर की, तो खोल लेता हूँ फटाफट से। ये आ गया बाहर पूरा, ठीक है? फेस दिखाई दे रहे होंगे, ये 1 और 2, तो ये दोनों में खोल लेने हैं। ये वाला नहीं खोलना क्योंकि ये टेलेट के साथ में अटैच है, वो बाद में खोलेंगे। तो ये वाला आपको, ये वाले पेज दिखाई दे रहे होंगे 2, ठीक है? ये वाले अब हमें इन्हें खोलना है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये नट है तो ये भी हमें खोल लेना है इस साइड का, उसी तरह उस साइड का भी हमें खोलना है, सेम टू सेम। मैं क्या करना है, इसको ऐसे ऊपर को उठाना है, इसमें लॉक है नीचे की तरफ में, तो इसे हमें ऊपर की तरफ खींचना है ऐसे करके, ठीक है? ये ऐसे बाहर आ जाएगा, ऊपर की तरफ पुश पुश करेंगे तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही उस साइड का है, ठीक है? ये नीचे का भी, नीचे का भी ऐसे ही है। तो हमें क्या करना है, अभी से बाहर निकालने के लिए ना थोड़ा सा इसको, ये सीट ऐसे होगी और ये ऐसे करके ऐसे ये बाहर आ जाएगा, ठीक है? और इसको बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1 और 1 2, ये दोनों को खोलना पड़ेगा तभी जाके उसे बाहर निकालने के लिए ये कैप खोलनी पड़ेगी, और आपको ये वाला बाहर निकालना पड़ेगा तभी वो बाहर आएगा। तो इसको हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा बाहर की तरफ में, क्योंकि इसमें लगे हैं लॉक, ठीक है? ये मैंने इधर बाहर की तरफ करा, उस साइड से भी ऐसे करूंगा। तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा पूरा पूरा। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा इसमें तामझाम है, बहुत लंबा खोलना पड़ता है, और आपको ये पैनल चेंज करना है ना। तो एक तो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, एक नट होगा ये रहा, कहाँ गया दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो इधर एक नट है और एक ये रहा नट इधर, ये रहा, ठीक है? इस पैनल को बाहर निकालने के लिए
या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये भी खोल सकते हैं यहाँ से, ज़ूम ये भी खोल सकते हैं, और इसमें क्योंकि मैंने एक खोला नहीं है तो एक बार कोशिश करेंगे खोलने की। तो अभी मैंने जो नट बताया था ये वाला, तो ये खोल लेता हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक जो नट था वो मैंने खोल लिया, तो ये एंगल ऐसे आ गया ठीक है। बट मेरे ना इसमें एक लॉक था, देखो मैं आपको बता दूँ कि एक नट मैंने ये खोला और मेरा पहले से ही वो जो आपको नट दिख रहा होगा मतलब पेच दिख होगा, पेच यहाँ पे गायब है क्योंकि पहले किसी ने खोली है तो उसके पेच गायब हो चुके हैं। तो उसी साइड में भी ऐसे ही है, इस साइड भी ऐसे ही करना है। तो अब देखो इतना पैनल तो ये बाहर आ गया है, तो वो तो मैंने आपको बता दिए, तो उसमें वो नट दिखाई दे रहा होगा आपको वो नीचे की तरफ में ठीक है, वो भी खोलना है तब ये पैनल बाहर आएगा ठीक है। अभी फटाफट से इस वाले पैनल को खोल लेते हैं। और एक और एक यहाँ पे है, बस मेरा ये नट टूट गया है, ये वाला टूट गया, मगर इसको मैं रिपेयर करूँगा अभी, इसको भी चिपका दूँगा। इस साइड भी है, पता नहीं साइड का टूटा है कि नहीं, तो फटाफट से अभी हम खोलते हैं इसे। नट खोलने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा नट, ये वाला एक से मतलब पेज दिखाई दे रहा होगा ये वाला, सेम उसी तरफ भी ऐसे ही खोलना है क्योंकि ये इसमें अटका हुआ है तब ये बाहर नहीं आ रहा है ठीक है। तो इसको भी खोल लेते हैं, अगर खोलना है तो आपको थोड़ा दबाना पड़ेगा तब जाके ये खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो अभी हम करना है। तो ये सब खोलने के बाद अब आपको क्या करना है, एक ये न एक ये है और एक ये वाला है, तो उसको थोड़ा सा हम नीचे तक दबाएंगे नीचे की तरफ से, और ये सोचना कि तोड़ना मत, थोड़ा सा दबा के पेचकस में घुसा के तो निकालना है इसे, थोड़ा सा हल्का दबाना पड़ेगा तब जाके ये ऐसे तिरछा हो जाएगा, तो ये आपका आराम से निकल जाएगा। तो इस साइड का पैनल मैंने खोल लिया है, अब उस साइड का भी खोलना बाकी है, तो उधर का भी मैं खोल लेता हूँ। वैसे मुझे खोलने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ दिखाना था कि आपको साइड पैनल कैसे खोलना है। वैसे बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है इसमें। अब ये कि मेरा ये टूट गया है तो मैं इसको भी चिपका लूँगा, तो ये भी करते हैं फटाफट से। साइड का भी मैंने खोल लिया है ठीक है, ये तो आपको पता ही क्या क्या चीज़ें हैं। और आपका जो ये इंडिकेटर का जो फ्लैशर होता है ना, ये वो यहाँ लगा होता है ठीक है, ये मत सोचना कि ये वाला है, ये आपका शायद से ये सेल्फ का है, ये वाला शायद से सेल्फ का है। तो ये तो गाइस अगर आपसे वो चीज़ नहीं खुलती है जिसकी आप ये पैनल खोलना चाहते हो नहीं खुलता है, तो ये ज़रूर रिमूव कर लें क्योंकि अब लगाने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो इन्हें भी रिमूव कर लेना, इन दोनों खोल के उस साइड से भी ऐसे करके। तो मैं भी इन्हें रिमूव कर लूँगा, और बाकी तो मैंने थोड़ा हल्का फुल्का क्लीन कर दिया है, तो जैसा आपको बताया वैसे से आपको चेंज करना है। और बाई चांस अगर आपको ये भी वाला पैनल खोलना पड़े ये वाला, तो उसके लिए बताते हैं क्या 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 चीज़ खुलेगा। ये तो बाकी आपने खोल ही लिया है ठीक है, एक ये वाला खोल लेना और एक ये वाला खोल लेना ठीक है। और इस प्लेट के पीछे एक छोटा सा वही एक नट है, दिख रहा है आपको ये वाला भी खुलेगा ठीक है। और एक इसके नीचे है, यहाँ पे एक नट होता है ये वाला, यहाँ पे खुलेगा, ये तो मैंने खोल दिया है ठीक है, एक ही खुलेगा और ऐसे ही उस साइड है वो खुलेगा, और ये आपके पूरी जो ये है पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, और वैसे उसी उसी हिसाब से आपको वैसे ही लगा देना है, वैसे ही लग जाएगा। तो अब इसे हम क्या करते हैं, फटाफट से पैक करते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैंने ये सारे पार्ट ना मिला लिए हैं और जोड़ लिए हैं ठीक है, तो पीछे का पैनल भी मैंने उतार लिया है, और अब जैसे कि मैंने यहाँ से भी हटा लिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए पहले हम ये लगाएंगे, पहले इसको लगा के फिर उसको बैठाएंगे। उसको बैठाने बहुत आसानी होगी हमें, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे खुलता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी खोल रहा हूँ। कि अब जो सेकेंड टाइम में अब अगर आप कोई खोलना चाहे तो इस पैनल को खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसे रहने देना, इसमें ही जो जो पेच है, एक पेच ये खुलेगा और ये खुलता है ठीक है,
बाकी तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा पार्ट खुलेगा, पहले फटाफट से मैं इसको लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या कौन कौन सा पार्ट पहले आपको पैनल चेंज करने के लिए खोलना होता है, क्योंकि कंपनी बहुत ही आसान तरीके से बताती है कि आपको कैसे पैनल खोलना है, इतना सा तामझाम खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम खोला है। तो फटाफट से अब इसको फटाफट से पैक कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे से करना है। तो गाइस अगर आपको जैसे भी मैंने खोल के दिखाई है आपको, अगर वैसे आपको नहीं खोलनी है तो बस आप एक पेज से रह जाते हो। तो वो क्या है, अगर आपके उसमें स्कूटी में अगर आपके जो कंपनी पेज लगा के देती है, मतलब जो पेज खुल नहीं सकते, ठीक है, अगर वो लगा देती है तो आप जो मैंने अभी अभी फर्स्ट फर्स्ट टाइम आपको मैंने बताया कि कैसे गाड़ी खोलनी है, उसी तरह से आप गाड़ी खोल सकते हैं। तो अगर आपका पेज ऐसे लगे हुए हैं, आप इसको खोलें, ठीक है, इसके पेज एक इसके पीछे एक नट होता है, मतलब पेज होता है, वो खोलना है। पहला एक ये हो गया, दूसरा ये रहा दोनों साइड के, और इसके नीचे आपने देखा होगा दो साइड इधर बताए थे मैंने आपको, एक इधर एक उधर। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये खोल लेना है, ये ग्रैब हैंडल, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो पेज दिखाई देंगे, यहाँ पे वो खोल लेने हैं। फिर आपको ये और एक ये खोलना है, दोनों खोल लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपको पेज दिखाई दे रहा होगा, ये खोलना है, और सेम उसी साइड ही एक ऐसा ही पेज है, वो भी खोलना है, ठीक है। फिर आपको एक यहाँ से ये खोलना है, ये खोलना है, ये खुलने जैसे आपको तरीका बताया मैंने अभी खोलने का, जैसे पीछे बैक करके खोलना है, ठीक है। और एक और एलंकी से आपको ये फुटरेस निकालना पड़ेगा, तभी आपका पूरा पैनल बाहर आएगा, ठीक है। पैनल खोलने से पहले आपको बता दूँ कि एक यहाँ पे भी एक छोटा सा पेच होता है, सेम उसी तरह से उधर पेच होगा, ठीक है। जब आप ये सब पहले आपको इसे जब ये सारे पेच निकालने के बाद आप ये रिमूव कर लेना, ठीक है, निकालने के बाद फिर ये भी आपको रिमूव कर लेना, फिर ये आराम से अपने आप ही आप थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ खींचोगे ना, इसको बाहर की तरफ खींचते हो तो ये आराम से यहाँ से लेके ये पूरा पोर्शन बाहर आ जाएगा। और सबसे आसान तरीका यही है, आपको अगर खोलनी है बस ये है कि ये टेलेट वाला मत खोलना, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है खोलने की, और ये आपको ये पैनल भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर अगर आपकी गाड़ी में इंजन का काम हो रहा है तभी आप इसको रिमूव कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड साइन आउट।